किसान सभा और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेब बागवानों ने शिमला जिला के नारकंडा में नेशनल हाईवे जाम किया। इससे पहले ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और किसान सभा राज्य अध्यक्ष कुलदीप तंवर की अगुवाई में नारकंडा बाजार में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि एपीएमसी और सेब आढ़तियों की सांठ गांठ से सेब बागवानों का शोषण हो रहा है। किसान सभा और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेब बागवानों ने शिमला जिला के नारकंडा में नेशनल हाईवे जाम किया। इससे पहले ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और किसान सभा राज्य अध्यक्ष कुलदीप तंवर की अगुवाई में नारकंडा बाजार में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि एपीएमसी और सेब आढ़तियों की सांठ गांठ से सेब बागवानों का शोषण हो रहा है। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार और एपीएमसी बागवानों की समस्या हल करने में पूरी तरह विफल रही है। बागवानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि एपीएमसी के कानूनों को लागू करने में सरकार गंभीर नहीं है, इससे सेब बागवानों से मंडियों में लूट हो रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नारकंडा प्रदेश में तीसरे नंबर पर है जहां से मार्केट फीस ज्यादा आती है। पिछले 3 सालों में 7 करोड़ मार्केट फीस के रूप में सरकार के खाते में जमा हुआ है। उन्होंने नारकंडा में मार्केट यार्ड बनाने की मांग आढ़तियों द्वारा बोली मूल्य के प्रति पेटी 50 रुपए की नाजायज कटौती करने का विरोध, छोटे सेब का मूल्य 40% आढ़तियों द्वारा कम करने, सेब बागवानों को सेब का पैसा 1 से 1.5 माह देने का विरोध किया। उन्होंने नारकंडा में सफाई व्यवस्था ठीक न होने का भी आरोप लगाया है। बागवानों ने नेशनल हाईवे को करीब 1.25 घंटे तक जाम किया और कहा कि भविष्य में उनकी मांग न मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि सेब आढ़तियों की सांठ गांठ से मंडियों में सेब के दाम गिर गए हैं। सेब के दाम गिरने के कारण आढ़ती आज सेब सस्ते में खरीद कर स्टोर कर रहा है, बाद में 2 गुने दाम में आढ़ती बेचेंगे। स्टोर सरकार ने निजी हाथों को दिया है, बागवान सेब स्टोर कर नहीं सकता। सरकार एपीएमसी के नियम लागू नहीं कर पा रही है। सरकार मार्केट यार्ड और सीए स्टोर की व्यापक व्यवस्था करे। ये लंबे समय से जो मंडी का कानून है वो लागू हो नहीं रहा है, ये सरकार भी मान रही है। अगर आपने मंत्री महोदय डॉक्टर रामलाल मारकंडे साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा है कि हम लागू नहीं कर पा रहे हैं कानून। कानून क्या बोलता है? कानून बड़ा साफ है कि 5 रुपए से अधिक कटौती नहीं होगी किसान की, लेकिन बड़ी कटौतियां की जा रही है, वो 10 रुपए से लेकर 50 रुपए की कटौती की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इस मंडी में हिमाचल प्रदेश में तीसरे नंबर पर आती है मंडी, ये कर इकट्ठा करने के लिए पिछले 3 वर्षों में 7 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। और अगर 2004 से हम इसका पूरा लेखा जोखा ले तो लगभग 40 करोड़ रुपया आया है। बागवान लायक राम ने बताया कि आज नारकंडा में प्रदर्शन कर आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आढ़ती बागवानों से लूट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेब बागवानों की समस्याएं दूर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।